हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे हैं सभी? चलिए, अच्छे ही होने चाहिए आप, है ना? तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने अलैंगिक जनन की पांच विधियों को देख लिया था, ठीक है? और आज हम अलैंगिक जनन की अपनी लास्ट विधि के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर नॉलेज, ठीक है? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रेयर चांस होते हैं कोई क्वेश्चन आने के ना। मेरा कहने का मतलब है, बहुत कम संभावनाएं होती हैं, ठीक है? क्योंकि ये 2 नंबर का चैप्टर है। यहाँ इस चैप्टर में 4-5 तो बेसिक क्वेश्चन है और 2-3 क्वेश्चन अंतर वाले हैं, जो अभी अगले टॉपिकों में आएंगे, ठीक है? तो टोटल 6-7 यहाँ मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनमें से 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? लेकिन याद हमको ये भी करने, समझने भी है, ठीक है? चलिए, लेकिन उन पे हमें ज्यादा फोकस करके चलना है। हाँ तो भाई, तो कल जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक विधि के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम कायिक प्रवर्धन, या मैं इसको कायिक जनन बोल सकता हूँ, ठीक है? कायिक जनन भी अलैंगिक जनन का ही एक भाग है, ठीक है? ये केवल और केवल प्लांट्सों में ही होता है, एनिमल्स में नहीं होता, ठीक है? जो कायिक जनन है वो केवल किस में होता है? प्लांटों में, क्योंकि कायिक अवस्था हम प्लांटों की ही अवस्था को कहते हैं। जब तक कोई प्लांट अपनी जनन अवस्था में नहीं आ जाता, तब तक हम उसकी अवस्था को वेजिटेटिव फेज यानी कि कायिक अवस्था बोल के चलते हैं। चलिए देखिए, तो कायिक प्रवर्धन की कल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, है ना, कि भाई कोई भी प्लांट हो, उसका यदि कोई भी कायिक भाग, अब कायिक भाग आपके पास 3 थे, जड़, तना या पत्ती। यदि इनसे कोई नया पौधा आप बना रहे हैं तो आप उस विधि को कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन बोलेंगे, ठीक है? तो कल मैंने आपको तुम्हारे सिलेबस में जो जनन था, कायिक जनन, जो 4 विधियों से मैंने आपको बताया था, है ना, पहली विधि जैसे पत्तियां जड़ों के द्वारा, दूसरा तनों के द्वारा, तीसरा पत्तियों के द्वारा, चौथा जननांगों के द्वारा, ठीक है? अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कायिक प्रवर्धन है, वैसे 2 प्रकार का होता है, एक तो आर्टिफिशियल होता है और एक नेचुरल होता है। यानी कि आर्टिफिशियल बोले तो कृत्रिम और नेचुरल बोले तो प्राकृतिक, ठीक है? प्राकृतिक का तो ये मतलब होता है कि प्रकृति में खुद अपने आप होने वाला जनन, और आर्टिफिशियल किसको बोलेंगे? जब आप खुद इन प्लांटों में कायिक जनन कराएंगे, मतलब मानव के द्वारा, यदि हम या हम खुद यदि प्लांटों में अलैंगिक सॉरी कायिक जनन कराएं तो वो कृत्रिम कायिक जनन है, और यदि नेचर में खुद अपने आप होता है तो वो नेचुरल है, ठीक है? तो सबसे पहले अभी जो मैं आपको विधियां बता रहा हूं, ये सभी की सभी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की हैं, ठीक है? मतलब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की हैं, ठीक है? इससे आगे मैं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं आपको इसके बारे में नॉलेज जरूर दूंगा, ठीक है? क्योंकि ये आपके काम की चीज है, इसलिए। चलिए तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जड़, जड़ों के द्वारा, है ना, वाई रूट्स। आपको केवल समझना है, थ्योरी आपके पास है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप थ्योरी लिखने में क्या थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है? मैं शॉर्ट थ्योरी यहां पे लिख के चलूंगा, है ना, क्योंकि आपके पास सटीक थ्योरी के पूरे नोट्स हैं, और जिस बच्चे को के पास नोट्स नहीं हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक पर नोट्स ले सकते हैं या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है? हाँ चलिए भाई, तो जड़ों के द्वारा सबसे पहली जो हेडिंग है वो हमारी ये है कि भाई जड़ों के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है, ठीक है? तो सुनिए, जड़ों की यदि मैं बात करूं तो दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 2 प्रकार के। देखो, एक तो मैंने यहां पे लिखा है नीम और शीशम, ठीक है, और एक मैं यहां पर लिख रहा हूं
डहेलिया और इम्पोर्टेंट शकरकंद। ठीक है, शकरकंद। आप मेरी बात पर जरा ध्यान दीजिए, ये आपको अलग अलग दो प्रकार के एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि जो प्लांट होते हैं उनमें जड़ों के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप समझना, थ्योरी आपके पास लिखी हुई है, मैं केवल आपको समझा रहा हूं ना। देखिए, कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ें, मैं थ्योरी बोल रहा हूं ये, कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ें। अच्छा, काष्ठीय पौधे आप किसको बोलते हैं? काष्ठीय पौधे आप उनको बोलते हैं जिनकी लकड़ी मजबूत होती है, या उनकी लकड़ी को हम जलाने के या अपने और दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। ठीक है, आप सभी ने देखे होंगे जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, आप उन सभी को वुडन ट्री या वुडन ट्री भी आप बोल सकते हैं, लकड़ी वाले पादप ना, तो मतलब काष्ठीय पौधे। ठीक है, चलिए, तो काष्ठीय पौधों की जड़ें, चलो देखिए एक डायग्राम, हल्का सा ही डायग्राम मैं आप बना देता हूँ। ये कोई प्लांट है ना भाई, ये मिट्टी है। ठीक है, ये मान के चलो आप, ये नीम का पौधा, एक बहुत बड़ा एक विशाल पौधा है। ठीक है भाई, और ये उसकी जड़ें हैं, किसकी? नीम की। नीम एक काष्ठीय पौधा है ना। अब होता क्या है, आपने कई बार, मैं आपको बताता रहता हूं कि आपने अपने गांव में, शहरों में या घरों के आसपास ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि जहां कहीं भी नीम का पौधा होता है ना, तो उस नीम के पौधे से थोड़ी दूरी पर, या जैसे कोई दीवार है वहां नीम का पौधा खड़ा हुआ है, तो दीवार के दूसरी ओर या उसी ओर, मतलब उस पेड़ से थोड़ा सा हटकर कोई नया प्लांट निकल जाता है। ऐसे आपने बहुत एग्जांपल्स देखे होंगे ऐसे। ठीक है, मैं तो बहुत देखता हूं। ठीक है, हाँ, तो यहां हो क्या रहा है, सुनिए मेरी बात। ये नीम का एक पौधा है, ठीक है, आप इसको काष्ठीय पौधा बोल रहे हैं, तो क्या ये इस काष्ठीय पौधे की जड़ें नहीं है क्या? है ना, जड़ें है ना काष्ठीय पौधे की, मूसला जड़ बोलते हैं इनको, मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, है ना। तो ये जो मूसला जड़ होती है, ठीक है, ये जड़ क्या करती है, कोई अनुकूल परिस्थिति मिलने पर ये अंकुरित हो जाती है, और अंकुरित होकर जमीन से बाहर निकलकर एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, तो बताइए यहां पे जो जनन हो रहा है वो एक जड़ के द्वारा नहीं हो रहा है क्या? जड़ के द्वारा ही तो हो रहा है। और मैंने कहा था यदि किसी प्लांट में जड़, तना या पत्ती से जनन हो तो हम उसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन बोल के चलते हैं। ठीक है, तो काष्ठीय पौधों में इस प्रकार जनन होता है। ऐसा ही शीशम में देखने को मिलता है, शीशम की जो जड़ें होती हैं वो भी कई बार खेतों में अपने आप अंकुरित हो जाए। खेतों का मतलब है यदि खेत में खड़ा है शीशम का पौधा तो वहां पे ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कहीं ना कहीं गांव में अपने में देखना, आपको मिल जाएंगे ऐसे एग्जांपल्स। ठीक है, कि पौधे के नीचे ही कोई नए प्लांट उगाते हैं और ये पौधे अति शीघ्रता से वृद्धि और करते हैं, क्योंकि ये अलैंगिक जनन की एक लाभ या विशेषता होती है कि अलैंगिक जनन से जो भी संततियां या उत्पन्न होती हैं वो द्रुत गति से अपनी वृद्धि भी करती हैं। ठीक है, इन कंपेरिजन टू लैंगिक जनन, लैंगिक जनन की तुलना में अलैंगिक जनन की जो संततियां होती हैं वो बहुत तीव्र गति से वृद्धि भी करती हैं। ठीक है, तो ये तो भाई बात हुई काष्ठीय पौधों की। यदि मैं इस शकरकंद की बात करूं, ध्यान सुनना मेरी बात, ये तो एक रूट है, एक वास्तविक जड़ आप इसको कह सकते हैं, लेकिन शकरकंद एक प्रकार की कंदमूल होती है, कंदमूल, जिसको आप ट्यूबरस रूट के नाम से जानते हैं, ट्यूबरस रूट, कंदमूल। अच्छा, ये कंद शब्द क्या है? कंद हम आलू के लिए भी यूज करते हैं, जो अभी मैं आगे बताऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी संरचना जिसमें स्टार्च हो, या कहने का मतलब है भोजन भरा हुआ हो। भोजन एकत्रण के कारण यदि कोई तना या कोई जड़ फूल जाती है तो आप उसको कंद कह सकते हैं। ठीक है, देखो आलू और शकरकंद एक जैसे होते हैं ना,
है ना। लेकिन इनमें अंतर क्या होता है, देखिए आलू तो तना है जबकि शकरकंद क्या है, जड़। शकरकंद जिसको हम खाते हैं ना, अरे शकरकंद ही बोलते हैं यार, नहीं खाएंगे कभी, है ना, कभी देखिए जीवन में, नहीं देखी, कुछ तो कह रहे होंगे सर देखिए, है ना। हाँ भाई, स्वीट पटेटो के नाम से भी इसको जानते हैं, अपने गांव में आपने देखे होंगे, मतलब जो सर्दियों में वो जलाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हगाना, अलाव तापना, मतलब तो उसमें दबा देते हैं इसको ना, खाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, हाँ खाया करो, सेहत के लिए लाभदायक होती है ना। तो शकरकंद या स्वीट पटेटो की मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, देखो शकरकंद एक प्रकार की जड़ है, ठीक है। तो ये शकरकंद एक ऐसी जड़ होती है, जैसे मान लीजिए ये शकरकंदी है या शकरकंद है, शकरकंद बोल देता हूं, है ना। तो इस शकरकंद में क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती हैं। अच्छा, कलिका शब्द मैं आपको कल भी बताया था, कलिका एक ऐसा शब्द है, एक प्रकार की ये संरचना होती है जो किसी भी नए जीव का निर्माण कर सकती है, इसमें क्षमताएं होती हैं, ठीक है। ये जो शकरकंद है ये एक प्रकार की रूट होती है, जड़ है ये, जड़, कोई बीज नहीं है ये जड़ है। लेकिन जब भी हम शकरकंदी की खेती करते हैं तो हम इन्हीं को जमीन में बोते हैं, बीज की जगह पर या बीज की तरह हम इनको यूज में लेते हैं। तो भाई एक नया प्लांट तो इसी से बन रहा है ना, और इससे बन रहा है, और ये संरचना कौन सी है, जड़। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या कि शकरकंद में जड़ों के द्वारा कायिक जनन होता है, है ना। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आलू है, आलू, ठीक है, आलू को हम तना बोलते हैं, तना, है ना। और जब भी हम आलू की खेती करते हैं तो आलू को ही तो जमीन में बोते हैं, बोते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि आलू में तना के द्वारा जनन होता है, तना के द्वारा। वही जो शकरकंद है वो खुद एक प्रकार की जड़ होती है, तो जड़ के द्वारा इसमें जनन होता है। हालांकि मूली और गाजर भी जड़ें, मूली और गाजर भी जड़ें होती हैं प्लांट की, लेकिन आप यदि मूली को ऐसे बोएंगे तो क्या उससे नया प्लांट बन जाता है, क्या नहीं बनता ना। लेकिन शकरकंद जड़ को यदि आप बोएंगे तो इससे प्लांट बन जाता है, क्योंकि इसके पास क्षमताएं होती हैं। आई बात समझ में? तो आप कह सकते हैं कि कुछ काष्ठीय पौधे जैसे नीम, शीशम, चमेली, इन चमेली मत बोलो आप, नीम शीशम बोल दो, नीम शीशम, इनकी जो जड़ें होती हैं उनसे ये नए प्रहरोय को जन्म देती हैं, जिससे नया प्लांट बनता है। प्रहरोय शब्द आ गया, प्रहरोय जिसको इंग्लिश में सूट बोलते हैं। अब सुनिए प्रहरोय क्या है, किसी भी प्लांट का जो सबसे अग्रभाग होता है हम उसे प्रहरोय या सूट बोल के चलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे आपने कोई बीज को बोया जमीन में, बीज बो दिया, अब इस बीज से क्या होता है, नीचे की तरफ तो निकलता है मूलांकुर, जिसको आप रेडिकल बोलते हैं इंग्लिश में, रेडिकल, मूलांकुर, और ऊपर की तरफ निकलता है प्रांकुर। क्या क्या निकलता है, प्रांकुर, ठीक है। अब ये जो प्रांकुर होता है ना, इस प्रांकुर से आगे चलकर इस प्रकार की दो पत्तियां निकलती हैं ना, आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, तो ये जो भाग है ना इसको भी आप प्रहरोय बोलते हैं, ये भी प्रहरोय के नाम से जाना जाता है। और ये जान, ये मान लो ये प्लांट है तो इसका ये भी तो अग्र भाग है, तो इसको भी हम प्रहरोय बोलते हैं। प्रहरोय का मतलब है प्लांट का जो सबसे अग्र भाग होता है हम उसे प्रहरोय बोल सकते हैं, सूट बोल सकते हैं, ठीक है। तो काष्ठीय पौधों की जड़ों से प्रहरोय निकल आता है जो नए पौधे बनाता है, जैसे नीम शीशम, और कुछ पौधों में कंदीय मूल, अब कंद मूल का एग्जाम्पल कौन है, शकरकंद, ठीक है। कुछ पौधों में कंदमूल होती हैं जिनसे अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और नए पौधे बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक बात बताइए, जड़ों के द्वारा ही तो नई संतान बन रही है, यहां पे जो नए प्लांट उत्पन्न हो रहे हैं वो केवल जड़ों के द्वारा ही तो हैं, तो आप कह सकते हैं कि जड़ों के द्वारा कायिक जनन है, क्लियर। आगे चले, चलो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आप एग्जाम्पल याद रखिए।
और बाकी तो आपको पता ही है यार, सिंपल सी बात है कि जड़ें भाग ले रही हैं जनन में केवल, है ना। सेकंड, सेकंड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तना द्वारा। ध्यान से सुनना मेरी बात, बाई स्टेम, ठीक है। तना, हम यो देख रहे हैं कि तनों के द्वारा प्लांटों में कायिक जनन कैसे होता है। मैं आपको बता दूं कि 11th क्लास में ये टॉपिक जो थे वो COVID-19 की वजह से हटा दिए गए थे, ठीक है। हाँ, हटा दिए गए थे, नहीं मैं आपको इनको पहले ही और अच्छी तरीके से और भी बता देता पहले, और आज आपका यहाँ रिवीजन चल रहा होता, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कई बार वहाँ बताता रहता था हमेशा, ठीक है। बहुत, चलिए तो एक बार इसको फिर देख लेते ना, ध्यान सुनो। एक प्लांट में कई बार क्या होता है कि उसकी कुछ संरचनाएं जैसे तना और पत्तियां, तना पत्तियां और जड़, ये तीनों संरचनाएं, ये कोई ना कोई कार्य करने के लिए अलग अलग संरचनाओं में बदल जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रूपांतरण। अब रूपांतरण जैसे पत्तियों का रूपांतरण, तनों का रूपांतरण, जड़ों का रूपांतरण। अब जड़ों के रूपांतरण से मतलब समझो, सबसे पहले तो जैसे आपने नॉर्मल हर प्लांट की जड़ें देखी हैं, है ना भाई, प्लांट की जड़ है, नॉर्मल जड़ होती है। लेकिन जैसे मैं बात करूं मूली के जड़ की, है ना, मूली, मूली प्लांट की बात कर रहा हूं, मूली। अच्छा भाई, मूली का जैसे ये प्लांट है, ये मूली की पत्ती है, है ना, ये पत्ती है, तो मूली की जड़ जो होती है ना, जड़ तो ऐसी होनी चाहिए ना नॉर्मल, लेकिन ये जड़ पता है क्या करती है, ये भोजन एकत्रण के कारण, भोजन एकत्रण के कारण ये क्या हो जाती है, भोजन एकत्रण के कारण ये फूल जाती है, ठीक है। ये अलग संरचना में बदल गई ना जड़, ठीक है, तो ये रूपांतरित जड़ है ना। ऐसे ही शकरकंद, अब शकरकंद भी तो रूपांतरित जड़ का ही एग्जाम्पल था, रूपांतरित जड़ है ना वो, क्योंकि भोजन इकट्ठा किया उसने और अलग से अपने या जनन करने के लिए उसमें बदल गई वो शकरकंद वाली जड़, तो वो भी रूपांतरित है। ऐसे ही कुछ प्लांटों में पत्तियां भी रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे मैं बात करूं अपने नागफनी वगैरह जो प्लांट होते हैं, तो इनमें पत्तियां आपको देखने को नहीं मिलती है, कांटे देखने को मिलते हैं। तो जो कांटे हैं ना, वही उन प्लांटों की पत्तियां हैं, लेकिन जो पत्तियां थी वो उन प्लांटों की सुरक्षा करने के लिए क्या है, कांटों में रूपांतरित हो गई, तो वो पत्तियों का रूपांतरण है, ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार तनों का रूपांतरण, तो मैं आपको बता दूं कि तना के द्वारा जो हम ये विधियां देख रहे हैं ना, ये सभी रूपांतरित तने हैं। रूपांतरित तने का मतलब ये वो वाले तने नहीं है जो आप पेड़ के तने देखते हैं, ये ऐसे तने हैं जो अपने आवश्यक कार्य करने के लिए उन प्लांटों में बदल चुके हैं या रूपांतरित हो चुके हैं। तो तने के द्वारा कई बार जब इनकी अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं प्लांटों के लिए, तो जो तने होते हैं वो नए प्लांटों का क्या कर देते हैं, निर्माण। क्योंकि आपको पता है कि हम अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो इसमें युग्मक निर्माण, या मैं कहूँ किसी बीज फ्लावर और उनकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तो हम कायिक जनन पढ़ रहे हैं, और कायिक जनन में प्लांट का निर्माण या तो जड़ से होगा, या तने से, या पत्ती से होगा, ठीक है। तो जड़ से कैसे निर्माण होता है और किस में होता है, ये तो हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि भाई स्टेम के द्वारा प्लांटों में कैसे कायिक जनन होता है। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको केवल और केवल एग्जाम्पल्स याद करने हैं, आपसे केवल एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि इस प्लांट में कौन सी संरचना के द्वारा अलैंगिक या कायिक जनन होगा, ठीक है, या इस विधि से किस में होगा, केवल ऐसे पूछा जाता है। ध्यान सुनिए, मैं आपको बता दूं कि तने जो होते हैं, तने वो यहां पर तीन प्रकार के माने गए हैं। एक तो होता है भूमिगत तना,
एक होता है अर्धवायवीय और एक होता है वायवीय, ठीक है। तने तीन प्रकार के यहां पर माने गए हैं, वो तने जो रूपांतरित हैं, आप इनको रूपांतरित तने बोलेंगे। रूपांतरित तने का मतलब आप इतना समझना कि ये ऐसे तने होते हैं जो कोई आवश्यक कार्य करने के लिए बदल गए हैं उस प्लांट में, ठीक है। तो ये रूपांतरित तने जिनमें कायिक जनन हम देख रहे हैं वो तीन प्रकार के यहाँ पर हमने माने, है ना। तो भूमिगत तना, अर्धवायवीय और वायवीय। अब मैं आपको कई बार कहता हूँ कि भैया वो बायोलॉजी की तो हेडिंग्स ही बताती हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो देखिए भूमिगत तने का क्या मतलब है, ऐसा तना जो कहाँ होगा, भूमि के अंदर। अर्धवायवीय जिसको आप सब एरियल बोल सकते हैं, अर्ध माने आधा, वायवीय माने हवा। तो एक सिंपल सी बात है, जो जमीन और वायु के बीच में हो। वायु का मतलब ये मत समझो कि आप 10-20 फुट ऊंचा, कहने का मतलब है जमीन से थोड़ा सा ऊपर हो, यही वायवीय है। अब ये जो हमारा एनवायरनमेंट ये सब वायवीय तो ही है, ठीक है। हाँ, तो आप उसको अर्धवायवीय बोलेंगे। और वायवीय का मतलब जो ऊपर हो केवल, ठीक है, उसको आप वायवीय एरियल बोलेंगे। एक एक करके इनको देखते हैं, सुनिए। तो भूमिगत जो तना है उसके यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल्स है कंद। अब आप इस कंद को बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं? ट्यूबर। कंद के द्वारा जो जनन होता है वो आलू में होता है। एक बार मैं एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, फिर इनको समझेंगे, ठीक है, या फिर समझते हुए चलेंगे साथ में। सुनिए भाई, सबसे पहले तो आप केवल इनको ऐसे याद करो कि जो आलू होता है उसमें कंद नाम की संरचना से जनन होता है, कंद से, या ये कंद के अंतर्गत आता है आलू, ठीक है। आलू एक प्रकार का तना है, आलू जिसको आप खाते हैं ना, आलू, आलू कचालू, कचालू नाम सुना है, कचालू नहीं सुना, कचालू, हाँ चलो आलू तो सुना है। आलू जो होता है जिसको हम बड़े चाव से खाते हैं ना, वो एक तना है, तना प्लांट का क्या है, वो तना। समझ में आ गई बात, अब समझ गए ना रूपांतरित तने का मतलब क्या होता है। वैसे तो हमने प्लांट के तने देखे है ना, लेकिन आलू भी एक प्रकार का क्या है, प्लांट का तना है। यदि आप आलू का कोई पौधा देखते हैं तो उस पौधे का तना आपको कहाँ मिलेगा, नीचे भी मिलेगा। जो आलू है वो भी उस प्लांट का तना है, लेकिन कैसा है, रूपांतरित तना है। उसका नाम क्या है, कंद, और एग्जाम्पल क्या जाएगा, आलू, ठीक है। ऐसे ही प्रैकंद, ठीक है, प्रैकंद को हम राइजोम के नाम से जानते हैं। प्रैकंद में जो हमारे एग्जाम्पल्स आएंगे वो आएंगे अदरक और हल्दी, ठीक है। तो अदरक और हल्दी ये तने के एग्जाम्पल हैं जो किसके द्वारा जनन होंगे, कौन किसके अंतर्गत आते हैं, प्रैकंद के अंतर्गत। ये तनों के स्वरूप हैं, ये केवल कंद प्रैकंद ना, तनों के नाम हैं, उनके ये एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे हैं। तो प्रैकंद हो गया। अब है शल्क कंद, जिसको आप बल्ब बोलते हैं, और इसमें आते हैं आपके प्याज और लहसुन, ठीक है। और एक है लास्ट घनकंद, जिसको आप कॉर्म बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की मैं बात बता दूं आपको, तो इसका जमीकंद है, केसर है और अरवी है, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको नीचे तक, सही है। देखिए तो ये अरवी, ठीक है। तो सबसे पहले इन चारों एग्जाम्पल्स के बारे में आप सुनो। देखिए बताने के लिए तो इनके लिए इनमें बहुत कुछ है ना, मतलब बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा इसको यदि मैं पूरे को क्लियर करके आपको बताऊं, है बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, है ना। चलिए सुन लीजिए आप, फिर बता ही देता हूं आपको ना। सुनो, भूमिगत तने हैं ये सभी, मतलब ये जो चार मैंने एग्जाम्पल्स आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए ना,
ये ऐसे तने होते हैं जो भूमि के हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, नीचे। बताओ ये सभी की सभी जो चीजें हैं, ये सभी जो एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब भूमि के अंदर होते हैं, लेकिन है कौन ये? प्लांट के तने। तो आप इनको भूमिगत तना नहीं बोलेंगे, ये भूमिगत तना ही तो है, ठीक है। तो ये जनन होता है भूमिगत तना के द्वारा। अब आलू की मैं सबसे पहले बात करूं समझने के लिए, तो देखिए आलू में क्या होता है, ये आलू है, ठीक है। तो इस आलू में आपने देखा होगा जगह जगह पर कहीं गड्ढे से होते हैं, कहीं गड्ढे से होते हैं, ठीक है। तो इन गड्ढों का नाम है आंख या आई, आंख। तो आलू में एक इंपॉर्टेंट संरचना होती है जिसका नाम आंख है, और इन्हीं आंखों से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। क्या निकलती है? अपस्थानिक कलिकाएं। और इन्हीं कलिकाओं से नए पौधे का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी हम आलू की खेती करते हैं तो हम बीज के रूप में आलू को ही लेकर आते हैं, जिस पर कुछ सफेद रंग की या ग्रीन कलर की संरचनाएं सी उभरी हुई सी या गड्ढे नुमा संरचना में पाई जाती हैं। तो आप सभी ने देखा है, आज भी आप अपने घरों में देखना आलू, देखना आलू को बिगाड़ना मत, आपकी है ना, हाँ नुकसान हो जाएगा आलू का, बहुत महंगे चल रहे हैं इस बार, है ना। हाँ देखिए, जब भी आप आलू देखते हैं तो आपको आलू में जगह जगह पर कहीं गड्ढे से दिखाई देंगे, तो वो जो गड्ढे हो रहे हैं ना, उन्हीं को आप बोलते हैं आँख। क्या बोलते हैं? आँख। और आलू में पाई जाने वाली आँख एक ऐसी संरचना है जहां से नए पौधे का निर्माण हो सकता है। देखिए जैसे यहां पे मैंने आंख नहीं बनाई तो यहां से नया पौधा नहीं बन सकता, यहां आंख है तो यहां से नया पौधा बन सकता है, यहां है तो यहां से नया पौधा बन सकता है। और आप कभी भी देखना, जब हम बीज के लिए आलू लेके आते हैं ना, तो उनकी जो आंखें होती हैं, मतलब जो कोई आलू है तो उसको लगभग, जैसे कोई बड़ा आलू आ जाता है तो उसको तीन चार टुकड़े करके बोते हैं ना, और छोटा होता है उसको एक ही बो देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे मान लीजिए बड़ा आलू है और इसमें चार आंखें हैं, तो मैं यदि इसको ऐसे डिवाइड कर दूंगा ना ऐसे, तो इससे चार प्लांट बन जाएंगे अलग अलग, क्योंकि हर आंख से एक नया प्लांट बनेगा। आगे बात समझ में? तो ऐसे आंखों के द्वारा आलू में क्या होता है? जनन होता है। क्लियर आलू? चलिए, नहीं केवल आपको इतना समझना है बस, आपको इसमें लिखना नहीं है कुछ भी, आपको इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखनी, आपको तो केवल एग्जाम्पल्स याद रखना है, ठीक है। और इतना समझना कि भाई आलू में जो आंख नाम की संरचना होती है, बस उसी से उसमें क्या होता है? नए प्लांट का निर्माण होता है। ऐसे ही अदरक और हल्दी। अब अदरक और हल्दी की मैं आपको बात बता दूं, जैसे मान लीजिए ये भाई अदरक है, ऐसे ना, ऐसे कैसे भी मान लीजिए अदरक है, इस अदरक में ना ऐसे संरचनाएं होती हैं, ठीक है, ऐसे होती है ना। तो इन संरचनाओं को हम पर्व बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड्स, पर्व। अब मैं आपको बता दूं एक नाम, पर्व क्या चीज है? पर्व या पर्व संधि, ठीक है। वैसे पर्व और पर्व संधि में अंतर है कि जहां भी आपस में दो या तीन पर्व जुड़ जाएंगी आप उसको पर्व संधि बोलेंगे, ठीक है। लेकिन पर्व क्या चीज है मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई प्लांट देखते हैं, देखो ये कोई प्लांट है, ये कोई पौधा है, ठीक है। अब इस पौधे में यहां से कोई ब्रांच निकली, यहां से कोई ब्रांच निकली शाखा, तो यहां इस तने पर यहां जो संरचना होगी ना उसको आप पर्व बोलेंगे, नोड। कहने का मतलब है किसी भी प्लांट में जिस स्थान से कोई शाखा निकले, कोई पत्ती निकले या कोई फूल निकले, उस संरचना को ही हम पर्व बोलते हैं, नोड बोलते हैं। याद रखना, नोड क्या चीज है? पर्व प्लांटों में पाई जाने वाली एक ऐसी संरचना होती है जिससे प्लांट के सभी भाग निकलते हैं, है ना। देखो
अगर यहां से ब्रांच निकली तो यहां पे पर्व का होना जरूरी है। अच्छा, यहां तो ब्रांच नहीं निकली ना, तो यहां पर्व नहीं है इसलिए नहीं निकली। अगर यहां पे भी पर्व होती ना इस जगह पे, तो यहां से भी कोई ब्रांच निकल सकती थी। आगे बात समझ में? तो पर्व एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जहां से कोई नई संरचना निकल सकती है या कोई अपस्थानिक कलिका निकल सकती है। पर्व से या पर्व संधि दोनों से ही निकलती है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो अदरक हल्दी में क्या होता है, जहां पर्व संधि होती है, मतलब जहां दो पर्व आपस में जुड़ती हैं, या मान लीजिए यहां ये जुड़ी हुई है पर्व संधि, यहां जुड़ी हुई है, यहां जुड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी जगह पर जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो यहां जैसे दो पर्व जुड़ी हुई हैं, तो यहां से एक अपस्थानिक कलिका निकल जाएगी, अपस्थानिक कलिका, और अनुकूल समय आने पर इस अपस्थानिक कलिका से क्या है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि ये जो तने होते नए पौधे का निर्माण केवल तब करते हैं जब इनकी अनुकूल परिस्थितियां हो, जब मतलब ऋतु हो, जैसे बरसात ऋतु में, सर्दी ऋतु में, ऐसे ना सबका अलग अलग टाइम है ना, जैसे आलू सर्दी ऋतु में होता है, अदरक वगैरह ये बरसात ऋतु की फसल है ना, ऐसे समझ में आ गई बात। हाँ, तो अदरक और हल्दी में किसके द्वारा आलैंगिक जनन होता है, राइजोम के द्वारा, सॉरी तने के द्वारा होता ही, लेकिन आप उसको क्या बोलते हैं, राइजोम, प्रकंद। तो प्रकंद के एग्जाम्पल्स कौन है, अदरक और हल्दी। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कंद के द्वारा किस में जनन होता है, तो आलू में, प्रकंद के द्वारा अदरक हल्दी में, शल्ककंद के द्वारा प्याज लहसुन, ऐसे आपको इनके एग्जाम्पल्स याद करने केवल। ठीक है, अब बात करते हैं शल्ककंद की, प्याज और लहसुन की। चलिए, इनके डायग्राम आपके बने हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नोट्सों में ना। हाँ, तो प्याज लहसुन यानी कि बल्ब, शल्क कंद। अब ये जो शल्क है ना, शल्क, शल्क में आपको बता दूं, स्केल्स जिसको बोलते हैं, मतलब एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर, परतों जैसी संरचना। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या होता है भाई शल्क कंद। तो इसके मोस्ट वन एग्जाम्पल मैंने आपको प्याज और लहसुन, देखो याद तो आपको केवल इतना करना है कि कंद का एग्जाम्पल आलू, प्रकंद का एग्जाम्पल अदरक हल्दी, शल्क कंद का प्याज लहसुन, घन कंद का जमीकंद केसर अरबी, ऐसे याद करना है केवल जो आपके काम आएगा। ठीक है, लेकिन समझने के लिए अभी मैं आपको बता दूं, अब जैसे प्याज की मैं बात करूं, तो ये जैसे मान लीजिए प्याज है, ठीक है भाई, ये प्याज है, और प्याज में आपने देखा होगा इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं भैया, वो होती नहीं होती, होती है ना प्याज में, है ना। तो ध्यान से सुनिए, ये जो प्याज है वो खुद एक कौन है, तना है, प्याज कौन है, प्लांट का तना। ठीक है, तो इसका तना क्या चीज है, मैं आपको बता दूं, देखो आप जब भी प्याज को काटते हैं तो प्याज के ऊपर एक छिलका होता है, वो तो उसका छिलका एक कवर है, अब उसके अंदर कुछ लेयर सी निकलती हैं, लेयर, तो जो लेयर है ना वो तना नहीं है, उनको आप फ्लैसी लीप्स बोलते हैं। ये मांसल पत्तियां होती हैं प्याज की, ये पत्तियां हैं प्याज की जिनको गूदेदार या मांसल पत्ती बोलते हैं, फ्लैसी लीप्स, जिनमें भोजन एकत्रित होता है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका तना, तना मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी देखना प्याज में नीचे की तरफ एक डिस्क रूपी संरचना होती है, डिस्क रूपी, जिसमें नीचे आपको जड़ें निकलती हुई दिखाई देंगी, ये जड़ें निकलती हुई दिखाई देंगी, है ना, इनको ये जड़ें निकलती हुई दिखाई देंगी, इनको हम अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, आपने सोचा नहीं, दिमाग नहीं लगाया कि हम इनको अपस्थानिक रूट क्यों कह रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको आप दिमाग लगाओ। देखो ये जो जड़ें निकल रही हैं, अब आप बोलोगे सर जड़ तो नीचे होती हैं, तो हम तो उनको साधारणतः जड़ भी तो कह सकते हैं, आप इनको अपस्थानिक रूट क्यों संबोधित कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान सुनिए, यदि जड़
बीज के मूलांकुर से निकली हुई हो। अब मूलांकुर मैंने अभी तो बताया था आपको, जैसे ये बीज होता है, बीज है ये, लैंगिक जनन की बात है, तो ये नीचे की तरफ तो मूलांकुर और इससे कोई जड़ें निकलें, तो ये तो होती है वास्तविक जड़, ये वास्तविक जड़ें हैं, ट्रू रूट्स। लेकिन यदि जड़ किसी प्लांट के तने से निकलें, न कि मूलांकुर से, तो आप उन जड़ों को एडवेंटियस रूट यानी कि अपस्थानिक कलकाएं बोल के चलते हैं। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई कि मैं इनको अपस्थानिक जड़ें क्यों कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये उस प्लांट का तना है। इस जगह पर ये प्याज नाम का जो पौधा है ना, उसका तना या जगह पे ये वाला, क्योंकि भैया उसमें मूलांकुर कहां से होगा? अरे प्याज में मूलांकुर कैसे बन जाएगा? क्योंकि उसमें तो कायिक जनन होता है। मूलांकुर तो उनमें बनेगा जिनमें लैंगिक जनन या बीज के द्वारा जनन होगा। आप मेरी बात समझ गए? तो इरे जितनी भी प्लांट है ना, जितने भी प्लांट जिनके मैं एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख रहा हूं, उनमें कभी भी वास्तविक जड़ें नहीं होती। उनमें किस प्रकार की जड़ें होती हैं? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अब मेरी एक बात सुन लेना, वास्तविक जड़ें उनको बोलते हैं जो मूलांकुर से बनती हैं, और अपस्थानिक जड़ें उनको बोलते हैं जो तने से निकले। तने से निकलने वाली जड़ों को आप अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। जैसे आपने बरगद का पौधा देखा है, तो बरगद के ऊपर से भी तो जड़ें निकलती हैं, तने से ही तो निकलती हैं, तो हम उनको भी एडवेंटियस रूट या अपस्थानिक कलका सॉरी अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी अपस्थानिक जड़ें जो आपने प्याज में खूब देखी होंगी, लहसुन में भी देखी होंगी। प्याज खाई है ना? नहीं खाई? अरे कुछ ने नहीं खाई, मुझे पता है। ठीक है, हाँ, तो प्याज जब आप देखते हैं, तो अब आपको समझ में आ गया ना प्याज कौन है। प्याज एक तना है जिसे हम खाते हैं। ठीक है, खाते तो फ्लैसी लीप्स हैं, उसकी पत्तियां जो गूदेदार पत्तियां हैं, और उसका प्याज का तना पता है कौन सा है? जो नीचे की तरफ कठोर सा निकलता है ना, कठोर सा निकलता है, जिसको हम खाते नहीं और फेंक देते हैं काटकर, याद है ना? इस जगह पर होता है डिस्क जैसी संरचना का, गोल संरचना का, वो उस प्लांट का तना है, याद रखना इसको। और इस तने से नीचे जड़ें निकलती हैं जो अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। अपस्थानिक क्यों बोल रहा हूं आप समझ गए होंगे, क्योंकि यदि जड़ें मूलांकुर से ना निकले और तने से निकले, तो हम उन्हें अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। तो आपने देखा भी होगा हर डायग्राम्स में, यदि जड़ें निकली हुई हैं तो वहां लिखा हुआ होगा अपस्थानिक जड़ें। तो मतलब समझ जाना हम उनको अपस्थानिक जड़ें क्यों बोलते हैं। एक ही रीजन है, ऐसी जड़ जो तने से निकले हम उन्हें एडवेंटियस रूट या अपस्थानिक रूट बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो ये प्याज लहसुन में कौन के द्वारा? शल्ककंद के द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, ऐसे ही घनकंद में, अरबी में, जमीकंद में, केसर में होता है। केवल आप एग्जाम्पल याद करो, जमीकंद तो आपने नहीं देखा होगा, है नहीं देखा ना, मुझे पता है। आप जमीकंद, मैं आपको बता दूं, आपने, मैं क्या बताऊं, आप ये बोलेंगे सर आप ना पूरे देसी है ना, मतलब बिल्कुल, अबे क्या करूं, एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं ना भाई। चलिए सुनिए, देखो आपने, जैसे मैं आपको बता दूं कि भरतपुर जिले में एक दशहरा का मेला लगता है, हर जगह पर लगता है कहीं, मैं तो भरतपुर का हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो आपने एक नाम सुना होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे मेरे यहीं लोकल एरिया के, तो वो जानते हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, खिजला बोलते हैं, खिजला खाने का होता है। एक गुड़ देखा ना, गुड़ 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 की गुड़ गुड़ होता है ना। चलिए बना दो गुड़, कैसे बनाऊँ गुड़, मैं कोई पंसारी हूँ क्या? चलिए भाई, चलो कोई बात नहीं, नहीं पंसारी थोड़े बनाता है, वो तो बेचता है ना। हाँ, अरे यार मैं, ऐसी स्ट्रक्चर होती है कुछ बाई कॉनकेव है ना, अवतलोत्तल सॉरी अवतल जैसी है ना, अवतल आकृति जैसी होती है जमीकंद की। जमीकंद बिल्कुल जैसे गुड़ का, गुड़ होता है ना, गुड़ जो 5 केजी का होता है, बिल्कुल ऐसी संरचना का होता है जमीकंद ना, लकड़ी का ऐसा होता है, गोल गोल होता है, बिल्कुल राउंड होता है ऐसे। और इसकी ना बहुत अच्छी सब्जी बनाई जाती है जमीकंद की। ठीक है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, जमीकंद आप डाल देना, वो वहाँ बन जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, जमीकंद,
तो जमीकंद में, केसर में और अरबी में, इनमें घनकंद के द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, तो ये जो चार एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, ये चारों की चारों एग्जाम्पल्स किसके भाई, ये सब की सब भूमिगत तने। देखो तने तो है लेकिन स्पेशल कौन से प्रकार के हैं, सभी भूमिगत तने। मतलब ये सब की सब तने कहाँ पाए जाते हैं, भूमि के अंदर। ठीक है, तो आपको एग्जाम्स के लिए केवल इनके एग्जाम्पल याद करना। कैसे याद करना, कि कंद के द्वारा आलू में, प्रकंद के द्वारा अदरक हल्दी, शल्क कंद के द्वारा प्याज लहसुन, घनकंद में जमीकंद, है ना, ऐसे। ठीक है भाई, या कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अदरक, अदरक जो होता है अदरक है, तो आप ऑप्शन दे देगा कंद, प्रकंद, शल्कंद, घनकंद, ऐसे ना, तो आपका प्रकंद राइट आंसर है, राइजोम, है ना, ऐसे आपको याद करना है। चलिए, तो ये बात हुई भाई भूमिगत तने की। अब अर्धवायवीय तना, देखो अर्धवायवीय तना को एक बार और समझो। अर्ध का मतलब होता है आधा, वायवीय का मतलब हवा में, है ना। देखिए तो इसके एग्जाम्पल्स तीन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आपको मोस्टली पढ़ने हैं, अपनी ऊपरी भूस्तारी, अंत भूस्तारी, भूस्तारिका और भूस्तारी, है ना, समझ गए। ये चार हैं, इनमें से तीन हमारे लिए ज्यादा मोस्ट हैं। तो देखिए ऊपरी भूस्तारी जिसको आप इंग्लिश में रनर बोलते हैं, अंत भूस्तारी जिसको आप सकर बोलते हैं, भूस्तारिका इंपॉर्टेंट जिसको आप ऑफसेट बोलते हैं, है ना, भूस्तारी जिसको आप स्टोलोन बोलते हैं। सुनिए भाई ध्यान से, आपके सिलेबस में आपको तो केवल इनके एग्जाम्पल्स ही याद करने फोर बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए। बिल्कुल कभी भी आपसे इनकी कोई थ्योरी वगैरह किसी भी कहीं भी आपसे नहीं पूछी जाती हैं, केवल आपसे एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा इसे कैसे क्या होता है ना, सुनिए ध्यान सुनिए। ये चार ऐसे एग्जाम्पल्स हैं तो तने, रूपांतरित तने, लेकिन किस प्रकार के, अर्धवायवीय प्रकार के। अर्धवायवीय का मतलब ना तो ये ऐसे तने हैं जो कंप्लीट रूप से बाहर रहते हैं, ना ये ऐसे तने हैं जो कंप्लीट रूप से जमीन के अंदर रहते हैं, तो उन्हीं को हम अर्धवायवीय बोलते हैं, जो बीच वाले से हैं इनमें। ठीक है, हाँ, तो ऊपरी भूस्तारी का जो एग्जाम्पल्स है वो है दूब घास। ठीक है, अंत भूस्तारी का जो एग्जाम्पल है आपने खूब देखा होगा, अंत भूस्तारी जिसका नाम है पुदीना, है ना, मिंट जिसको बोलते हैं, मिंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। भूस्तारिका का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको हम जलकुंभी, आइसोर्निया या आइकोर्निया के नाम से जानते हैं साइंटिफिक, सॉरी बॉटनिकल नेम है भूस्तारी स्टोलन। हाँ ठीक है, तो स्टोलोन का कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप फिर भी पढ़ लेना। लेकिन आपकी सबसे पसंदीदा है स्ट्रॉबेरी, याद है स्ट्रॉबेरी, है ना, स्ट्रॉबेरी, है ना, हाँ। चलिए तो ये चार ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद तो ऐसे करने, कैसे कि भाई ऊपरी भूस्तारी के द्वारा दूब घास में, अंत भूस्तारी पुदीना, भूस्तारिका का एग्जाम्पल जलकुंभी या भूस्तारिका स्ट्रॉबेरी, समझ गए। आपको याद तो ऐसे ही करना है, लेकिन मैं आपको इनको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ कि इनमें कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ऊपरी भूस्तारी, अब मैं आपको कितनी बार बताऊं कि बायोलॉजी की हेडिंग खुद बता देती है कि मैं कौन हूं। देखिए भाई, ऊपरी माने ऊपर, भू माने भूमि, स्तारी माने स्तर। स्तर देखो, जैसे यहां समझो आप, ये जमीन है भाई, ये भूमि का स्तर है ना, ऊपर जमीनी तो है। तो हुआ क्या, अब ऊपरी भूस्तारी का मतलब आ गया समझ में कि भाई यहां पे जो घटना होगी या दूब घास जो कायिक जनन करेगी वो भूमि के कहां करेगी, सतह पर करेगी,
किस पे करेगी, सतह पर, क्योंकि स्तारी सतह भूमि की सतह या लेकिन उसके ऊपर नीचे नहीं। अभी जो हमने चार एग्जाम्पल्स देखे थे उन्होंने कहाँ किया था, जमीन के अंदर, तभी तो हम उनको भूमिगत तना बोल रहे थे। अब इनको हम क्या बोल रहे हैं, अर्धवायवीय, नीचे भी और ऊपर भी, है ना। देखिए तो मैं घास की यदि आपको बात बताऊं तो ये घास का जैसे प्लांट है, ये घास का, ये घास की जड़ है, है ना, और ये घास का है तना, ये तना है, तना स्टेम ये वाला, ठीक है। आपने देखा होगा कि घास बहुत जल्दी गति करती है और घनघोर हो जाती है, मतलब है ना, क्यों हो जाती है सुनिए, ये घास का जो तना होता है, और भाई तने पे तो पर्व संधि पाई जाती है, तने पर तो पर्व संधि पाई जाती है, और मैंने कहा है आपसे कि पर्व संधि या पर्व ऐसे स्थान है जहां से कोई ब्रांच, कोई फ्लावर या मतलब प्लांट की कोई भी एक्स्ट्रा संरचना वहां से निकल सकती है, ठीक है। हाँ, ये तना है, तो ये मान लीजिए यहां पे इसकी पर्व संधि है, तो इस पर्व संधि से क्या होता है, ये तना बिल्कुल इसके भूमि से टच होके चलता है ना, बिल्कुल भूमि से सटकर चलता है ना, तो यहां से अपस्थानिक कलकाएं निकलेंगी, उनसे अपस्थानिक रूट, और एक नई घास बन गई यहां पर, फिर इसका तना ऐसे चला आगे, फिर जड़ें निकली, फिर एक नया पौधा बन गया, ऐसे ऐसे इसमें एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन गए हैं। आप देख पा रहे हैं कितने सारे प्लांट बन रहे हैं, और ये जितने भी प्लांट बन रहे हैं बताइए वो जमीन के ऊपर नहीं बन रहे क्या, जमीन के ऊपर या सतह पर ही तो बन रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऊपरी भूस्तारी। रनर क्यों बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये चल रहा हो भूमि के ऊपर, दौड़ रहा हो, ऐसा ही चल रहा है ना, रनर रनिंग कर रहा हो, है ना, रनिंग कर रहा हो, आगे बात समझ में। तो ऐसा ऐसे होता है दूब घास में जनन, जिसको आप ऊपरी भूस्तारी या रनर बोल के चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सेकंड आपको अच्छा सा शब्द दिख रहा है जिसको आप अंतःभूस्तारी कह रहे हैं, अंतःभूस्तारी, शकर क्या दिक्कत है इस अंतःभूस्तारी में, अरे जब आपने ऊपरी भूस्तारी समझ लिया तो अंतःभूस्तारी में क्या दिक्कत है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि बायोलॉजी की हेडिंग्स खुद आपको बता देती हैं कि मेरे बारे में आपको क्या कहना है, ठीक है। अरे याद करो भाई, अंत माने अंदर, भू माने भूमि के, समझ में आ गई बात। अब यहां पे क्या होता है, जैसे ये पुदीना का प्लांट है, पुदीना ये भैया वो जमीन है, हैं, जमीन में अब एक मोटी परत बना के आपको समझा देता हूं ना, ये जमीन है, ये पुदीना का प्लांट है, दिख रहा है आपको ये पौधा, ठीक है। तो इस पौधे में क्या होता है, इसके तने से, इसके तने से मान लीजिए यहां से एक अपस्थानिक कलका बनी, अब ये अपस्थानिक कलका पहले जाती है भूमि के अंदर, कहां जाती है, भूमि के अंदर, और यहां भूमि के, या मान लीजिए इसकी कोई कलका या तना जो भी है, मान लीजिए ये इस भूमि के अंदर गया तो यहां से जड़ें बनी और इस जगह से एक नया पौधा डेवलप हो गया, नया पौधा बन गया ना। इसमें और दूब घास में आपको क्लियरली एक अंतर नजर आया होगा, वो अंतर क्या नजर आया कि भाई दूब घास में तो जो अपस्थानिक कलकाएं होती हैं वो ऊपर ही बन जाती हैं, या जो नया प्लांट बनता है वो जमीन की सतह से ऊपर बनता है, जमीन की सतह पर बनता है डायरेक्ट ही, क्योंकि तना उसमें ऐसे चलता था जैसे ये जमीन की सतह है और ये दूब घास का तना ऐसे चल रहा है, तो यहीं से पर्व संधि ऐसे बनती जाती हैं और नए प्लांट बनते जाते हैं। लेकिन पुदीना वाले एग्जाम्पल्स में, पुदीना वाले एग्जाम्पल्स में आपको क्लियर दिख रहा है, सही दिख रहा है ना आपको, दिख तो वैसे भी सही रहा है ना, हाँ कोई बात नहीं, देखना पड़ता है कई बार, है ना। तो इसमें क्या है कि ये जो, हाँ कई बार क्या है कि जैसे मैं लिखता जाता हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आपको वो शब्द ही नहीं दिख रहा है ना, हाँ फिर आप बोलेंगे सर नहीं दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ तो ये देखिए सुनिए, अब दूब घास में तो अपस्थानिक जड़ें या जो प्लांट था वो जमीन की सतह से ऊपर ही जनन कर रहा था,
लेकिन यहाँ पुदीना में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो संरचना पहले अंदर जाती है जमीन के और फिर बाहर निकलती है। तो आप इसको अंतः भूस्तरीय नहीं बोलेंगे क्या? तो ऐसे होता है पुदीना में। अब ये इंपॉर्टेंट जो भूस्तरिका है जिसको आप ऑफसेट बोलते हैं ना, ऑफसेट जिसको आप जलकुंभी बोल रहे हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिए। जलकुंभी को देखिए, भूस्तरिका और ऊपरी भूस्तरीय ये एक जैसी घटना है, केवल इनमें एक ही अंतर है। और वो अंतर क्या है कि ऊपरी भूस्तरीय घटना तो जमीन में होती है, लेकिन भूस्तरिका वाली जो घटना है वो पानी की सतह पर देखी जाती है। ध्यान से सुनो, ये तो पानी की सतह पर होती है और ये भूमि की सतह पर होती है, ये अंतर है। घटना दोनों में सेम है। देख लेते, ये पानी है, टिप टिप बरसा पानी, याद है आपको टिप टिप बरसा पानी है ना? नहीं है? चलिए, ये पानी है भाई, ये जलाशय पानी मान लीजिए, और यहां पर ये जलकुंभी है, ऐसे बना देता हूं ना आप समझने के लिए। चलिए, ये जलकुंभी है ना? तो ये जलकुंभी क्या करती है, जलकुंभी का जो ये तना है ना, तना यहां से एक इस प्रकार की एक संरचना निकलती है, ये वाली, ऐसे ये संरचना बन गई, एक मोटी स्ट्रक्चर होती है, और इसी मोटी स्ट्रक्चर से एक नई जलकुंभी का निर्माण हो जाता है। ऐसे ये नई जलकुंभी, फिर इस नई जलकुंभी से एक और ऑफसेट या भूस्तरिका ऐसी संरचना मिलेगी। ये घटना आप देख सकते हैं जल की सतह के ऊपर चल रही है ना? देखो, पहले केवल ये प्लांट था जलकुंभी का, एक यहां से क्या हुआ, इसने एक एक्स्ट्रा संरचना बनाई, ऐसे मोटी संरचना, इसी मोटी संरचना का नाम ऑफसेट या भूस्तरिका है। इसका नाम है भूस्तरिका, आगे बात समझ में, इसका नाम भूस्तरिका है, या आप इसको इंग्लिश में ऑफसेट भी बोल सकते हैं, है ना? और इससे नए नए प्लांट का निर्माण होता जाता है। तो ऐसे जलकुंभी भूस्तरिका द्वारा अपना कायिक जनन करती है। लास्ट में स्टोलोन या स्ट्रॉबेरी भूस्तरी की बात करूं तो ये भी जमीन के ऊपर ही होता है, भूस्तरी कह रहा है, लेकिन इसमें अंतर क्या है यही मैं समझा दूं, है ना? चलिए मिटाई देता हूं, है ना? देखो, इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई स्ट्रॉबेरी का प्लांट है सपोज कीजिए, तो इसकी जो शाखा है ना वो थोड़ी ऊपर से निकलती है और वो जमीन से हो जाती है टच, ऊपर से आती है जमीन से टच हो जाती है, और यहीं से इसमें अपस्थानिक जड़ है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ऐसे बिल्कुल इसी प्रकार है ना? लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है कि इसमें जो शाखाएं होती है वो नीचे झुक जाती हैं, फिर उनसे नया प्लांट बनता है। ऐसे इसमें स्टोलोन स्ट्रॉबेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो इस प्रकार अर्धवायवीय तने से भी हमारे कायिक जनन होता है, जो आपने देख लिया कि दूब घास में ऊपरी भूस्तरी कंडीशन से, पुदीना में अंतः भूस्तरी, मोस्ट वन जलकुंभी में भूस्तरिका, और स्ट्रॉबेरी में भूस्तरी से, ठीक है? तो ऐसे इनमें अलैंगिक जनन, वो सॉरी कायिक जनन होता है। अब एक बाइवी है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है बाइवी है एरियल, फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसका एक मोस्ट वन एग्जाम्पल शुगरकेन या गन्ना है। क्या है? गन्ना। इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई गन्ने को काटते हैं, हालांकि गन्ने में तने के द्वारा भी होता है, सॉरी कृत्रिम कायिक जनन, सॉरी कृत्रिम कायिक जनन भी हम करते हैं, लेकिन यहां हम प्राकृतिक कायिक जनन में इसको पढ़ रहे हैं, और कृत्रिम भी इसमें होता है ना। तो प्राकृतिक में क्या होता है कि गन्ना का जो प्लांट है, सॉरी हाँ प्लांट ही बोलेंगे, पौधा है ना, तो यहां पर इसकी ऐसी संरचना सी देखी होंगी ना आपने, ऐसे कट से देखे होंगे, है ना? तो यहां पर इसकी अपस्थानिक कलकाएं होती हैं, तो उन अपस्थानिक कलकाओं से कई बार जड़ें निकल आती हैं और नया पौधा बन जाता है, ठीक है? अब यहां बनने वाला जो पौधा है वो कंप्लीटली बाहर के वातावरण में होता है, बहुत सारे ब्रांचेस से निकल जाती है ना,
उन्हीं की बात कर रहा है ये ना, जैसे ज्वार बाजरा और इनमें भी होता है ऐसा। तो ये बाई भी है, बाकी कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है भाई। तो ये हमारे तने के द्वारा कायिक जनन। तो तने वाले कायिक जनन के एग्जाम्पल्स में, सही साफ कर दूं मैं, जो तने के द्वारा कायिक जनन होता है ना, तनों के द्वारा, उसमें आपको मोस्ट वन के एग्जाम्पल्स याद करने हैं, ठीक है। जैसे जो मैंने आपको नोट्स में लिखा है, केवल वो आपको याद करने कि भाई जैसे कंद के द्वारा आलू में है, प्रकंद के द्वारा अदरक हल्दी में, ऐसे केवल आपको याद करने, बस और कुछ ज़्यादा उनमें दिमाग नहीं लगाना। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं यहीं पर कि, चलो बाद में बता दूं अभी, हाँ एक शब्द आया था जलकुंभी, आया था ना जलकुंभी, मैंने आपको नोट में वो लिखाया हुआ है तनों वाली कंडीशन के बाद में, आप नोट्स में देख सकते हैं। जलकुंभी जो है, यहां से आप एक क्वेश्चन याद करना, जलकुंभी को इंग्लिश में हम वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं जलकुंभी को, और इसका वैज्ञानिक नाम या बॉटनिकल नाम आइसोर्निया, या आप उसको आइकॉर्निया भी कह सकते हैं, ये उसका बॉटनिकल नाम है जलकुंभी का ना। तो मैं आपको बता दूं, जलकुंभी को ब्रिटिश से नीले पुष्पों के कारण हमारे भारत देश में लाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दूं मैं, जो जलकुंभी का प्लांट है उसमें नीले कलर के पुष्प लगते हैं, बहुत ही मनमोहक पुष्प लगते हैं, मैंने तो रियलिटी में देखे हैं, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन कुछ ने नहीं देखा ना। तो मैं आपको बता दूं, कई नहर, जो नहरें चलती हैं तो जहां इनका स्थिर जल होता है, हाँ एक मैं आपको बता दूं, जलकुंभी स्थिर पानी में ज़्यादा ग्रो करती है, ठीक है, जहां स्थिर यानी कि रुका हुआ पानी होता है वहां पर। सुनिए, जलकुंभी को ब्रिटिश से नीले पुष्पों की सुंदरता के कारण पश्चिम बंगाल में लाया गया था, बंगाल में, ठीक है। अब बंगाल के जलाशयों में इसको उगाया कि भाई मनमोहक पुष्प खिलेंगे और आराम से देखा करेंगे इनको, कैसे कैसे फूल खिल रहे, ऐसे लेके आए थे इसको, जलकुंभी को। लेकिन जलकुंभी में क्या विशेषता होती है, अभी तो पढ़ा था कि ये कायिक जनन करती है, और मैंने कहा था कायिक जनन तो बहुत तेज गति से होता है, तो जलकुंभी ने क्या किया, कम समय में ही पश्चिम बंगाल के पूरे जलाशयों में ये फैल गई, और ऐसी फैल गई कि ना तो उसमें सूर्य का प्रकाश आता, और जलाशयों के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, उसका उपयोग जलीय जीव जंतु और पादप करते हैं। जल में भी तो प्लांट होते हैं, शैवाल वगैरह, है ना, ये भी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मछलियां ऑक्सीजन लेती हैं, मछलियां श्वसन क्रिया करती हैं, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना उसको ही लेती रहती है गिल्स की सहायता से, ठीक है, और कई बार ये बाहर आके भी लेती है ना। ऐसे ध्यान से सुनो मेरे इस क्वेश्चन को, आप ऐसे याद करना, जलकुंभी को बंगाल के आतंक, जलकुंभी को बंगाल के आतंक या जलाशयों की महाविपत्ति के नाम से जाना जाता है। दो नाम दिए गए हैं इसको, एक बंगाल का आतंक और एक जलाशयों की विपत्ति या महाविपत्ति। क्यों बोलते हैं भाई जलाशयों की विपत्ति और बंगाल का आतंक जलकुंभी को, क्योंकि जलकुंभी कायिक जनन कर इतनी जल्दी अपनी संख्या में वृद्धि करती है, जैसे ये कोई जलाशय है तो इस जलाशय को पूरे को ऐसे घेर लेती है, ये बिल्कुल ऐसे घेर लेती है, पानी तक दिखाई नहीं देता है। जिस स्थान पर जलकुंभी होती है ना, आप पानी को नहीं देख सकते कि इसमें पानी कहाँ है, इतनी घनघोर छा जाती है जलकुंभी, ठीक है। जलकुंभी छा गई जलाशयों में, अब इसने क्या किया भाई, एक तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है,
प्रकाश अंदर नहीं जा रहा है, एक हानि तो ये है। दूसरी हानि ये अपने ऑक्सीजन को काम में लेती रहती है, पानी की जो ऑक्सीजन है तो इसमें ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, अगले चैप्टरों में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे जिसको हम BOD कह के चलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बारे में फुल डिटेल में मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा, अभी यहाँ समझाना उचित नहीं होगा क्योंकि आप तब तक भूल जाएंगे। फिलहाल केवल आप इतना याद रखो कि पानी में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाना, ठीक है। तो BOD एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको अगले चैप्टरों में एक्सप्लेन करूंगा, और इससे रिलेटेड जो एक शब्द है एक क्वेश्चन है उसको भी हम वहां पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जलकुंभी के कारण जलाशयों में एक तो प्रकाश संश्लेषण की कमी और एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस कमी के कारण आप मुझे खुद बताओ कि इस जलाशय में रहने वाले जो जलीय जीव होंगे क्या उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा ना, तो उनका उन पर प्रभाव पड़ेगा तो हम इसको जलाशयों की विपत्ति नहीं कह सकते क्या? कह सकते ना, तो जलाशयों की विपत्ति तो इसलिए कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं भाई, बंगाल के जो लोग हैं वो मोस्टली मछलियां खाते हैं, तो मछली उनका प्रमुख भोजन है। तो जब जलाशयों में ये जलकुंभी फैल जाएगी, मेरा मुंह नीला तो नहीं हो गया है? चलो कोई बात नहीं। हाँ, जब ये फैल जाएगी तो मछलियां मर जाएंगी। अब मछली मर जाएंगी तो बंगाल के लोगों को भोजन में कमी आ जाएगी ना, क्योंकि प्रॉपर मछलियां नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए उसको हम बंगाल का आतंक भी कहते हैं, क्योंकि उस समय या इसकी वजह से वहां मछलियों की कमी भी आ गई थी। तो इसलिए इसको जलाशयों की विपत्ति या बंगाल के आतंक के नाम से भी जानते हैं। किसको? जलकुंभी को, वाटर हाइसिंथ को। समुद्र शोक भी इसको कहते हैं। किसको? जलकुंभी को। तो एक ये क्वेश्चन आप याद रखना, ठीक है, जलकुंभी वाला। ये नोट में लिखाया हुआ है मैंने, तो आप इसको याद करना। अब है तीसरा, पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा भाई? पत्तियों के द्वारा। अब हम देखते हैं कि भाई पत्तियों के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये आपको मैं बता दूं कि पत्तियों के द्वारा जो कायिक जनन होता है वो दो प्लांटों में मोस्टली होता है, जिनका नाम मैं आपको बता दूं, मैंने आपको लिखाया हुआ है। एक तो है ब्रायोफिल्लम और एक है बेगोनिया। ठीक है, दोनों को जरा ध्यान सुनो। ये ब्रायोफिल्लम बना दिया मैंने, और यहां पर मैं यहां पर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर बना देता हूं इसको ना, यहां बना दो, यहां ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ठीक है, ऐसे देखिए, आपको ये तो ब्रायोफिल्लम नाम के पौधे की पत्ती है और ये बेगोनिया की पत्ती है, ये वाली है ना। तो सुनिए, लाइन आपको मिल जाएंगी नोट्स में, मैं पढ़ रहा हूं कि ब्रायोफिल्लम की पत्तियों के किनारों से, अब ये ब्रायोफिल्लम की पत्ती है, मैंने इसमें सिरा वगैरह नहीं बनाई, आप समझदार इतने बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे है ना। तो इस ब्रायोफिल्लम पत्ती के जो ये किनारे हैं ना, इन किनारों से कुछ अपस्थानिक कलकाएं निकल आती हैं, ऐसे इन अपस्थानिक कलकाएं। तो ये तो ब्रायोफिल्लम में तो होता है, पत्तियों के किनारों से अपस्थानिक कलकाएं निकलती हैं, जो भूमि पर जब गिर जाती है ये पत्ती, तो ये इस प्लांट से, ये पादप से अलग होकर नया प्लांट बना लेती है। कौन? ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा की पत्ती। जबकि बेगोनिया नाम के प्लांट में क्या होता है, बेगोनिया में जो अपस्थानिक कलकाएं होंगी या तो पर्ण ग्रंथ से निकलेंगी या सिराओं से। आप अंतर कर पा रहे हैं ना दोनों पत्तियों में? देखो,
दोनों पत्तियों में अपस्थानिक कलिका निकलने का जो स्थान है, इस आधार पर आप इनको अंतर कर पा रहे हैं ना, और आप थ्योरी भी समझ जाएंगे। ध्यान सुनिए, ब्रायोफिल्म में पत्तियों के किनारों से तथा बेगोनिया में पर्णवृंत है ये, और सिराओं से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो मात्र पादप से अलग होकर नए पौधे का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो आपके नोट्सों में पत्तियों के द्वारा इतनी थ्योरी लिखी हुई है, तो इन डायग्राम से आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। लास्ट है जननांगों द्वारा। अब सुनिए, जननांगों के द्वारा जो कायिक जनन होता है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि जननांग वाली जो घटना है इसको हम तने में ही सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन यहां हम इसको थोड़ा अलग पढ़ के चल रहे हैं। ठीक है, देखिए जननांग क्या होता है। एक प्लांट है जिसका नाम है अगेव। अगेव, ये अगेव का प्लांट है। ठीक है, तो ये इसका तना है, मान लीजिए ऐसे, है ना भाई। होना क्या था कि इस तने पे कोई पुष्प बनना चाहिए था। पुष्प अगर इस प्लांट में ये पुष्प बन जाता तो भाई इसमें लैंगिक जनन होता, है ना। तो होता क्या है, अगेव नाम के प्लांट में जहां पुष्प कलिका बननी चाहिए थी, वहां पुष्प कलिका न बन के एक संरचना बन जाती है जिसका नाम पत्र प्रैकलिका होता है। ठीक है, अब पत्र प्रैकलिका कुछ ऐसे हो सकती है, ऐसे मान लीजिए आप, ये पत्र प्रैकलिका है। मेरी बात समझ में आ रही है कि कुछ पौधों में पुष्प कलिका के स्थान पर, मतलब स्वाभाविक रूप से तो पुष्प कलिका आनी चाहिए थी जिससे पुष्प बनता, लेकिन पुष्प कलिका के स्थान पर कौन बन गए, पत्र प्रैकलिका, जिसको आप बुलविल्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, बुलविल्स या पत्र प्रैकलिका। और जब ये पत्र प्रैकलिका जमीन पर गिर जाती हैं, जब ये पत्र प्रैकलिका जमीन पर गिर जाती हैं, तो इन्हीं से एक नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां हम जननांगों के द्वारा क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो बुलबिल्स बने हैं ना, ये जो बुलबिल्स बने हैं वो इस प्लांट के जननांग वाले भाग की जगह पर बने। किस पे बने, कि बनित भाई पुष्प प्लांटों का जननांग होता है। ठीक है, तो जननांग के स्थान पर कोई एक्स्ट्रा संरचना बन गई। ठीक है, और जिसका नाम क्या था, बुलबिल्स, बुलबिल्स नाम था। तो इसकी जब ये बुलबिल्स जमीन पर गिर जाते हैं तो नया प्लांट बना लेते हैं। तो या तो आप इसको यूं बोलो पत्र प्रैकलिका के द्वारा या बुलबिल्स के द्वारा, या आप इसको बोलो के जननांगों के द्वारा, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट है प्राकृतिक कायिक जनन। कौन सा जनन, प्राकृतिक कायिक जनन। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो, जड़ के द्वारा हमने नीम, सेसम, काष्ठीय पौधे थे उनमें देखा था, शकरकंद जो कि एक प्रकार का कंदीय मूल था, तने में हमने देखा कि भाई कुछ भूमिगत तने हैं, कुछ अर्धवायवीय तने हैं, है ना। वायवीय छोड़ो आप, भूमिगत और अर्धवायवीय याद कर लो चाहे। भूमिगत में जैसे कंद, प्रैकंद, शल्ककंद, घनकंद, वहां हमने ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, भूस्तारिका, है ना, अंतःभूस्तारी, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने। केवल पत्तियों में आपको क्या पढ़ना है कि ब्रायोफिल्लम में तो पत्तियों के किनारों से और बेगोनिया में पर्णवृंत और सिराओं से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो नए पौधे बनाती हैं। जननांगों में आपको क्या पढ़ना है कि पुष्प कलिका के स्थान पर कौन बन जाते हैं, पत्र प्रैकलिका यानी कि बुलबिल्स, ये संरचनाएं जिनका नाम बुलबिल्स है केवल, और इन बुलबिल्स के द्वारा ही नए पौधे बनते हैं। तो ये है प्राकृतिक कायिक जनन। क्या है भाई, प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, तो आज हम केवल इतनी ही बात करेंगे। वैसे हमारा जो अलैंगिक जनन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन कल मेरा ये प्लान है
कि एक बार आपको अभी मैं आपको करा देता, लेकिन कल का मेरा क्या प्लान है कि एक बार मैं आपको कृत्रिम कायिक जनन समझाऊंगा 5-10 मिनट, और उसके बाद अब तक जो पढ़ाया है उस पूरे को मैं रिवाइज कराऊंगा कल बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? क्योंकि आप कल जब मैं रिवाइज कराऊंगा ना, तो इसको रिवाइज कराने का जो मेरा तरीका है वो थोड़ा हटके होगा, ठीक है? एक एक कंसेप्ट आपको इस टॉपिक का समझ में आ जाएगा, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ, ठीक है? तो कल की आपकी बहुत ही मोस्ट क्लास होने वाली है, आप याद रखना उसको ना। कल हम इस पूरे अलैंगिक जनन को कंप्लीट करके पूरे टाइम इसका रिवाइज ही करेंगे बढ़िया तरीका से, ठीक है? ओके।